के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की आपको गूगल में जाना है और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। हम यहाँ पे गूगल में गए, cdlu.ac.in नाम की हमारी वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना है। इसके डाउनलोड सेक्शन में हमारे आईटी सेल की तरफ से जो फॉर्म डाले गए हैं उसको आपने डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट करना है। डाउनलोड सेक्शन में जाएं, यहाँ पर अगर आप सर्च मारेंगे आपको नहीं मिलता, तो आप इंटरनेट सर्च मारिए तो यहाँ पड़ा है परफॉर्मा 38 नंबर पे, परफॉर्मा इंटरनेट सर्विस एंड यूनिवर्सिटी कैंपस। इस व्यू डॉक्यूमेंट को व्यू कीजिए, इसका पहला पेज आपके इंस्ट्रक्शंस के लिए है, सेकंड पेज को आपको प्रिंट आउट निकालना है। यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे, एम्प्लॉय स्टूडेंट टीचर आउटसोर्सिंग आप जो भी है वो आप पंच कीजिए, अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पे फिल कीजिए, यहाँ अपने सिग्नेचर को फिल। वो हमारा ऑफिशियल सिग्नल नहीं है, ऑफिशियल सिग्नल किस नाम से मिलेगा, CDLU न्यू या CDLU ABJ। इस नाम को जो वाईफाई सिग्नल मिलेगा उस पर क्लिक करना है और कनेक्ट पे चेक लगा के कनेक्टेड करना है। जैसे ही आप यहाँ कनेक्टेड करेंगे तो यहाँ एक पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी पे जब भी आप वाईफाई को एक्सेस करेंगे, मोबाइल लैपटॉप कहीं भी, तो जो SSID आएगी वो आएगी CDLU न्यू के नाम से या आएगी CDLU ABJ के नाम से। केवल इसी नाम के आपको सिग्नल मिलेंगे और जब आप इस सिग्नल को चेक करके लगाएंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा जो कॉमन है CDLU IT सेल। जी हाँ दोस्तों, आपको डालना है CDLU IT सेल। CDLU IT सेल पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है और आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे आप अपने वाईफाई को ऑन करेंगे तो आपको रेंज आएगा CDLU न्यू या CDLU ABJ। केवल ये दो ही ऑफिशियल सिग्नल्स हैं, इस पर क्लिक करने पे कनेक्ट करोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। अब आप लोग यहाँ क्या गलती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि जो पासवर्ड आईटी सेल ने यूजर नेम पासवर्ड दिया है वो यूजर नेम पासवर्ड आगे जाके वेब ब्राउजर में यूज होगा। यहाँ के लिए SSID का पासवर्ड है CDLU IT सेल। तो यहाँ पे हमेशा ही आपको ये पासवर्ड डालना है, मैं दिखा भी देता हूँ, CDLU IT सेल। जैसे आप इसे डाल के नेक्स्ट करेंगे तो आप हमारे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। ये हमारे वाईफाई नेटवर्क से आप कनेक्ट हो गए। अभी जैसे आपको आईटी सेल ने एक पासवर्ड दिया, सो एग्जांपल टेस्ट, ये यूजर नेम आपको मिला है आईटी सेल के द्वारा। और इसका जो पासवर्ड देगी आईटी सेल, वो जिस भी व्यक्ति को यूजर नेम देगी, केवल यूजर नेम देगी, पासवर्ड सभी के लिए कॉमन होगा। ये पासवर्ड बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी फायरवॉल जनरेट करती है। सपोज @123, सपोज उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका फायरवॉल सेटअप यूनिवर्सिटी पे इंस्टॉल है, और सपोज @123 पासवर्ड आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट। यूजर नेम हमने बनाया इस समय, मान लीजिए मैंने किसी यूजर के लिए टेस्ट और पासवर्ड है सपोज, आप भी जब आईटी सेल से लेंगे तो सेम इसी तरह यूजर नेम आपका इंडिविजुअली होगा, पासवर्ड आपको भी बाय डिफॉल्ट मिलेगा सपोज @123। सिक्योरिटी रीजन से तुरंत आपने पासवर्ड को लॉग इन करने के बाद, जैसे 24 घंटे के बाद आपका एक्टिवेट होगा, आपको इसको चेंज करना। तो पूरा प्रोसेस हम वीडियो में देखते हैं कैसे होगा। आपने अपना ब्राउज़र खोलना है और इस ब्राउज़र पे जैसे ही आप google.com या कुछ भी लिखेंगे तो आपको ये पेज यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप SSID से कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट होने के बाद आप CDLU न्यू से, मेरा लैपटॉप ये PC कनेक्टेड है तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, आपको डायरेक्ट ये स्क्रीन मिलेगा, ये वाला। ये स्क्रीन पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CDLU न्यू या CDLU ABJ का जो पासवर्ड था CDLU IT सेल है, ये है रेंज का सेक्शन। और IT सेल ने आपको एक यूजर नेम दिया, जैसे अभी इस टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे यूजर नेम बना रखा है हमने टेस्ट। जो भी यूजर नेम IT सेल देगी सपोज पे, उसका पासवर्ड रहेगा suppose@123। तो आपको बिल्कुल सिंपली क्या करना है, यहाँ अपना यूजर नेम देना है जो IT सेल ने प्रोवाइड किया है, और बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम पासवर्ड रहेगा जी suppose@123। ये वाला पासवर्ड डालने के बाद जैसे साइन इन पे क्लिक करोगे, आपका यूजर साइन इन हो जाएगा और गूगल की स्क्रीन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। अभी ये नया टैप में गूगल का स्क्रीन खुला है, फर्स्ट टैप में वही पेज है और यहाँ पे जिस यूजर से आप लॉग इन हुए हो उसका नाम लिखा रहेगा कि इस यूजर, और स्क्रीन को बंद नहीं करना। अगर आप इस स्क्रीन को बंद करेंगे, लिखा भी हुआ है मिनिमाइज दिस विंडो एंड स्टे द लॉग इन, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर इस यूजर नेम से लॉग इन रहे तो आप इस स्क्रीन को मिनिमाइज कीजिए।
या नेक्स्ट नेक्स्ट टैब खोल के आप अपना वर्क कीजिए। अगर आप इस स्क्रीन को, इस ब्राउजर को बंद कर देंगे तो नीचे लिखा हुआ डू नॉट क्लोज द विंडो एंड एल्स यू विल बी साइन आउट ऑटोमेटिकली। फायरवॉल आपको अगर ये स्क्रीन बंद कर दोगे तो साइन आउट कर देंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिए। सेकेंड थिंग, ये तो हो गया यूजर नेम, हमने SSID को कनेक्ट करना सिखा दिया, हमने यूजर नेम को कनेक्ट करना सिखा दिया। नेक्स्ट टास्क है कि आप अपना पासवर्ड को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए, अभी आपका नेट चल रहा है, अभी यूजर अपना नेट चलाने में व्यस्त हो जाता है, पर कुछ टेक्निकल काम जो पहले करना है, शुरुआत में करना है, वो क्या है, इसी स्क्रीन पे आना है और नीचे ऑप्शन है यूजर पोर्टल टू चेंज द पासवर्ड एंड चेक द यूजर्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक एरर मैसेज आएगा, ये SSID का है, तो यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करके प्रोसीड अनसेफ पे क्लिक कर देना। जैसे आप ये क्लिक करोगे तो आपको फिर दोबारा से सपोज का एक पैनल मिलेगा। ये पैनल इंटरनेट चलाने के लिए नहीं है, ये आपका यूजर पैनल है जहाँ पर आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, आप अपने यूजर्स को देख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे फिर वो जो ITSL ने यूजर नेम दिया वो एंटर करना है, बाय डिफॉल्ट वाला पासवर्ड जो आपका अभी है suppose@123, आपको यहाँ पे लॉग इन कर देना है। जैसे आप लॉग इन करोगे आप अपने जो क्रेडेंशियल यूनिवर्सिटी के द्वारा मिले हैं उसमें आ जाएंगे। देखिए शुरू में आपका यूजर नेम दिखाई दे रहा है, फिर आपका ग्रुप, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैंपस में, टाइम आउट आपको अनलिमिटेड, हम सभी को अनलिमिटेड इंटरनेट देते हैं, कोई सर्फिंग एक्सपायरी नहीं है, सही कोई सर्फिंग कोटा नहीं है, जितना भी इंटरनेट आपने यूज किया आज तक, जितने घंटे मिले वो यहाँ दिखाई देगा इस यूजर का। उसके बाद अपलोड ट्रैफिक वगैरह जो सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। मेन यहाँ पे लाने के लिए आपको यहाँ लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा होम पर्सनल, इसमें आपको जाना है पर्सनल में, और सेकंड ऑप्शन है चेंज पासवर्ड। इस स्क्रीन पर लाने के बाद आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है, तो ये स्क्रीन आएगी, यहाँ बाय डिफॉल्ट आप अपना पासवर्ड डालिए suppose@123, और इसके बाद आपको अपना नया पासवर्ड डिजाइन कर सकते हैं। आप जो भी अपना नया पासवर्ड डिजाइन करेंगे, जैसे मैंने एक डिजिट कह दिया है, वो सेव हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम आपका पासवर्ड ये वाला काम करेगा, मैसेज आ गया पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली, तो ये चेंज हो जाएगा और अब आप अपने पास यूजर ने पासवर्ड के जरिए काम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा भी दूँ, इस स्क्रीन को आपको लॉग आउट कर देना है और इस पोर्टल को आपको बंद कर देना है। अभी जो पोर्टल हमारा लॉग इन था टेस्ट वाला, इसको हम साइन आउट करते, अगर अब हम इसे सपोज वाले यूजर नेम से लॉग इन करेंगे, suppose@123, ये लॉग इन नहीं होगा क्योंकि वो पासवर्ड चेंज कर दिया है। अभी आपने जो नया पासवर्ड वहाँ डिजाइन किया, जो ITSL ने आपको नहीं दिया, आपने खुद अपने मन से बनाया, वो मैंने यहाँ पे डाला और लॉग इन किया, तो मैं दोबारा google.com खुलेगा, टैब पे मेरा यूजर लॉग इन हो गया। अपना पासवर्ड बदलना है ताकि आपके यूजर नेम पासवर्ड से कोई मिस यूज या मिस वर्क यूनिवर्सिटी कैंपस में ना करे, क्योंकि आप जो भी व्यक्तिगत काम कर रहे हैं इस यूजर नेम पासवर्ड से और आपने एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया हुआ है कैंपस में ITSL डिपार्टमेंट को, वो इस चीज को तय करता है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर इस यूजर नेम के द्वारा ऑफिशियल वर्क करेंगे, एजुकेशन पर्पस पे वर्क करेंगे। अगर कोई मिस वर्क या मिस यूज करता पाया जाता है या कोई साइबर क्राइम जैसी अनलीगल एक्टिविटी अपने यूजर नेम पासवर्ड से होती है, तो उसके सारे लॉक्स यूनिवर्सिटी कैंपस ITSL टीम के पास अवेलेबल है, वो आपको लीगली भी, अगर कहीं गवर्नमेंट ने आपका, कहीं आपने किसी का नुकसान किया है और आप पर लीगल एक्शन होता है, तो वो भी वहाँ सबमिट कर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ इस यूजर नेम का पासवर्ड इमिडिएटली इफेक्ट से चेंज करें और उसके बाद अपना पासवर्ड, जैसे मैंने टेस्टिंग में नॉर्मल सिंगल डिजिट का पासवर्ड रखा, ये तो आपको सिखाने के लिए, पर आप एक अपना सिक्योर और कॉम्प्लेक्स और बिग लेवल का पासवर्ड रखिए ताकि कोई उसे ट्रेस ना कर सके और आप सेफली यूनिवर्सिटी कैंपस का इंटरनेट इंजॉय कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय। और एक बात और दोस्तों, इसी स्क्रीन के नीचे एक यूट्यूब का बटन बना हुआ है जिस पर जाकर आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल चैनल पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप अवेलेबल है। तो चोरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल चैनल है, इसका जो यूट्यूब पे हैशटैग है वो @CDLU है, तो यूट्यूब पे अगर आप स्लैश डाल के youtube.com/ @CDLU लिखेंगे तो आप यूनिवर्सिटी के इस ऑफिशियल चैनल पर आ जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी इसी चैनल के माध्यम से आप तक आई है, तो ऐसी वीडियोस जो भी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल चैनल के जुड़े आपको मिलेगा, वो सारा वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिलेगा। इस जैसे बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, तो कृपया ऑफिशियल चैनल पर सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आने वाली वीडियो इसको यूज़ कीजिए। थैंक यू एंड बाय।